तो ये है मेरा पुराना सा और बेकार सा दोस्तों कॉलर स्क्रीन और डायलर पैड। तो दोस्तों कितना बोरिंग सा लग रहा है, लेकिन दोस्तों अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने डायलर पैड और कॉलर स्क्रीन में कैसे अपना फोटो लगा रखा है और दोस्तों कितना कूल और इंटरेस्टिंग लग रहा है। दोस्तों अगर आप भी ऐसा फोटो लगाना चाहते हैं और अपने डायलर पैड को मस्त बनाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मिलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों मैं पहले इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन कुछ दोस्तों का कहना है कि ये जो एप्लीकेशन है ये पेड एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में पैसे लगते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आपका भाई ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे कि आपके पैसे और समय दोनों बर्बाद हो। दोस्तों इस चैनल पर हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते। फिर क्या था, मैं बैठ गया कैमरा और माइक लेकर और आपके लिए पेश है हाउ टू सेट फोटो इन डायलर पैड एंड कॉलर स्क्रीन। गर्मा गर्म है, जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो ऐसी और वीडियोज के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब वीडियो की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और ये दोस्तों ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम इस ऐप को ओपन करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस ऐप को ओपन करते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा ओपन करने के बाद। यहाँ पे दोस्तों आपको एक टैप का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों जहाँ जहाँ आप ये टैप करने बोला है आपको उधर उधर सिर्फ टैप टैप करते रहना है। तो दोस्तों देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ आपको सिर्फ वैसे ही करना है। जो तो दोस्तों ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, आपको सब में टैप कर देना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप देख ही सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और दोस्तों देखिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा और यहाँ पर दोस्तों आप अपना जो परमिशन है सर दोस्तों सारे परमिशन अलाउ कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ से देखिए दोस्तों जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी वैसे वैसे करना है। दोस्तों कोई भी पार्ट में आप मिस कर मत करिए, स्किप करेंगे तो आपको बहुत घाटा होगा। करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा आएगा इंटरफेस, यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा ऐड आएगा और ऐड को कट कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए चार ऑप्शन ऊपर में दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो हमारा ऊपर का डायरेक्ट उसका आ रहा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, क्लिक उसमें करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको बैकग्राउंड इफेक्ट और एक कीपैड इफेक्ट का ऑप्शन आएगा। देखिए दोस्तों दो ऑप्शन, सबसे पहले हम बैकग्राउंड के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों आप बैकग्राउंड में जो इमेज मैंने आपको दिखाया था ना आप वैसा इमेज लगा सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको इमेज लगा के दिखलाते हैं। सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे और इमेज के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों एक आपको फ़ोटो चूज़ कर लेना है, जो भी आपको फ़ोटो आपके कॉलर स्क्रीन में लगाना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने एक फ़ोटो चूज़ कर लिया है और यहाँ पे दोस्तों आप क्रॉप करके सेट कर दीजिए और यहाँ से डन। तो दोस्तों सक्सेसफुली ये सेट हो चुका है और एक ऐड आएगा कट कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों देखिए पूरा फोटो लग चुका है, कितना कूल लग रहा है। अब दोस्तों जो हमारा कीपैड है ये कितना बेकार सा लग रहा है, रंग बिरंगा अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये ब्लैक या वाइट होना तो अच्छा लगता है। तो हम यहाँ से फिर कीपैड के इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों आपको बहुत सारे कीपैड दिखेंगे। अगर आपको कोई इसमें से पसंद हो तो लगा सकते हैं, आपकी वैसे मन मर्जी है। दोस्तों मेरे को पसंद है एक ब्लैक वाला, तो दोस्तों सबसे ऊपर ये वो मैं लगा देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कितना मस्त लग रहा है, लेकिन दोस्तों मैं इसको जो स्पीड है वो कम कर देता हूँ जिससे कि और अच्छा लगेगा। तो चलिए बस मैंने कर दिया अब सेट। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है इसका नाम है नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो जब भी फ़ोन आएगा तो दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों ये बेकार सा लगता है कितना। अब मैं दोस्तों इसको चेंज करके बताता हूँ कि आपका जब फ़ोन आएगा तो कितना लगना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक वीडियो लगाना है तो आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है। दोस्तों नीचे में जो है आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे, जो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने मस्त मस्त वीडियोज़ मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी पसंद हो एक आप चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैंने एक चूज़ कर लिया जैसे कि ये वाला, अब मैं इसको सेट कर देता हूँ और यहाँ से दोस्तों आप देखिए और यहाँ से ऐड क्लियर कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए कुछ जब भी आपका कॉल आएगा तो दोस्तों ऐसा इंटरफेस आएगा, कितना कूल लगता है ना देखने में। अब नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों स्वाइप अप का। अब दोस्तों ये जो ऑप्शन है इसका मतलब जो आपका कॉलर स्क्रीन है दोस्तों ना, जो जहाँ पर कॉन्टैक्ट होते हैं उसमें आप कैसा रखना चाहते हैं। तो दोस्तों मैंने एक चूज़ कर लिया क्यूब वाला, आप जो पसंद हो आपको चूज़ कर लेना। अब दोस्तों मैंने जैसे कर लिया, अब नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वह दोस्तों फ्लैश लाइट का। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपका कोई इमरजेंसी कॉल रखना है, जैसे कि दोस्तों अगर आपको पता करना है कि इसका फ़ोन आया, तो वहाँ पर फ्लैश लाइट आप चालू कर सकते हैं कॉन्टैक्ट में कोई भी सिलेक्ट करके। अगर आपको कर रखना है तो रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जैसे कि और तो दोस्तों बस इतना ही था इसके वीडियो में और यहाँ से दोस्तों आपका पूरा हो चुका है। अब करना है कि आपको बैक सब क्लियर ख़त्म कर देना और इसके बाद दोस्तों यहाँ से ऑप्शन क्लियर करना। अब देखिए दोस्तों और ये देखिए दोस्तों कितना कूल लग रहा है यहाँ पर आपको। देखिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये देखिए कितना कूल मैंने आपके लिए बनाया ये वीडियो, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो बनाने में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें मोटिवेट मिलता है। और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।